कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी तो आज है नेक्स्ट डे रमादा में हमारा और हम लोग आए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और जैसा कि कल हम लोगों ने डिनर किया तो बहुत ज़बरदस्त था बहुत यमी था और आज का जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी बहुत मज़े का था और बहुत ज्यादा चीज़ें थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में भी और समझ नहीं आ रही थी यकीन करें कि कौन सी खाऊं कौन सी ना खाऊं हर चीज़ थी हर चीज़ हलवा पूड़ी भी थी हॉट डॉग्स भी थे उसके बाद फिर बीन्स थे उसके बाद फिर निहारी थी नान थे पराठे थे अंडे थे बहुत कुछ था चने थे आलू की सब्ज़ी भी थी बनी हुई भुजिया बनाई हुई थी उन्होंने मग़ज़ था निहारी थी उसके बाद पाए थे पता नहीं अभी तो मुझे याद भी नहीं है क्या कुछ था यकीन करें बहुत कुछ था और जो हलीम थी ना उसका तो बस मैं कहती हूँ जायका इतना मज़े का जायका था कि मैं आपको बता नहीं सकती ये सारी लाजमात पड़े हुए हैं हलीम के लिए और पाए वगैरह के लिए और ये डिटॉक्स वाटर बना हुआ वा था नंबर वन उसके बाद फिर सिंपल पानी भी था और जूसेस थे उसके बाद जनाब फिर अनार का जूस भी था मैंगो जूस भी था हर चीज़ थी कॉफ़ी आपने पीनी है आपने चाय पीनी है कुछ भी एवरी ईच एंड एवरी हर चीज़ थी और स्वीट्स यकीन करें स्वीट्स तो इतनी मजे की थी मेरा दिल करता है मैं यहां से ना हटूं यकीन करें मैं जहां पे मीठा देखती हूं ना मैं वहां पे खड़ी हो जाती हूं और एक एक चीज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में भी ये खाई थी और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि बस और तुमने मीठा नहीं खाना लेकिन मैं क्या करूँ बस मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है और ये फ्रूट्स थे हर तरह का फ्रूट कटा हुआ था मैंगो भी था उसके बाद फिर पाइन था और यानी हर चीज़ मेलन uh, uh, था वाटर मेलन था हर चीज़ थी बहुत मज़े का इनका मुझे रमादा का लंच डिनर ब्रेकफास्ट हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और आज की हमारी मंजिल हमारी डेस्टिनेशन मुल्तान का तारीख़ी किला है किल, किला कना और इस टाइम हम आ, मुल्तान के घंटा घर में मौजूद हैं और ये शाहरुख ने आलम का मज़ार का गुम्बद है और यहाँ पे जिस जब आप जिस शहर में जाते हैं जिसका आपको पता नहीं होता जब यही इसी नियत से होते हैं कि हमने एक्सप्लोर करने हर चीज़ को देखना है तो वो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा मज़ा आता है उस शहर को देखने का और मेरा तो फर्स्ट टाइम था अब बहुत अच्छा लग रहा था जाकर और आ... और हम जो हैं यहाँ पे अब तलाश कर रहे थे कि हमें कहीं से ना आ, मिल जाए गाड़ी खड़ी करने की जगह ठीक है और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना ये दमदमा व्यू है आ, आर्ट गैलरी है दमदमा तो ये उसका व्यू है सामने जो आपको नज़र आ रहा है और हमें जब पता चला कि यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाकर आपको आ, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी और वो क्या जगह थी कि वो किला का किला की बैक साइड थी उसकी दीवार थी और वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की बल्कि सबकी गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी नहीं थी और काफ़ी सारा रास्ता था जो काफ़ी लंबा हो जाता है जहाँ से हम पैदल किले के दाखिली दरवाजे में से हम दाखिल हुए थे और उस दाखिली दरवाजे को बाबे कासम कहा जाता है और ये देख रहे हैं आप ये किले की बैक साइड की दीवार है और यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद फिर हम पैदल चल पड़ेंगे जब हम पैदल जा रहे थे ये किले की दीवार है और इसकी बैक साइड पर ना ये इतने कबूतर थे इतने कबूतर थे कि मैं आपको बता नहीं सकती ये दमदमा व्यू है और बहुत सारे कबूतर लोग लो इनको दाना दे रहे थे खा रहे थे ये और इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था जब ये उड़ रहे थे ना मैं आपको बता नहीं सकती मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े मज़ार देखने के लिए मुझे बहुत मैंने सोचा काफ़ी दिनों से काफ़ी अरसे से मैं सोची थी अपने हस्बैंड से कि मैंने शाहरुख ने आलम के मज़ार पे जाना है मैंने फातिया पढ़नी है और बाहुल्दीन जक्रिया के मज़ार पे जाकर मैंने फातिया पढ़नी है और मैंने वो पढ़ी जाकर और क्योंकि आपने जो सोचा होता है मेरे जहन में था कि मैं जाऊँगी और और मैं जाकर हो आई मुझे बड़ा अच्छा लगा जाकर मुल्तान को देख कर तो यहाँ से फिर हम इंटर हो गए और उसके बाद ये सामने जो है ना ये बा कासम है जो किला का दाखिली दरवाज़ा है और इधर से हम जो है ना आ, आ, इंटर हो जाएंगे अंदर और वो सामने जो है वो शाहरुख ने आलम का मज़ार है और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे क्योंकि छुट्टी थी और सैटरडे को हम लोग हम लोग जुम्मे को गए थे और अगले दिन हफ्ते को हम लोग फिर मिज़ार देखने चले गए थे और जिन्होंने हमें बताया था वो कह रहे थे कि आप एक दिन में ये सब नहीं देख सकेंगे लेकिन यकीन करें कि हमने दो दिनों में हर चीज़ देख ली हर चीज़ देख के हम साइड पर हो गए और हम तकरीबन चौथे दिन हम लोग वापस आए थे वहाँ से हर चीज़ हमने देख ली थी और ये देखें जी ये काफ़ी काफ़ी सारा डिस्टेंस है जो हमने तकरीबन हमें आधा घंटा लग गया था अपनी गाड़ी से लेकर यहाँ तक आने में उसके बाद हम अंदर मज़ार पे गए और हमने फातिहा पढ़ी उसके बाद फिर हम बाहुलद्दीन सक्रिया के मज़ार पर गए और वहाँ पर जाकर भी हमने फातिहा पढ़ी और यहाँ पर ये देखें आप कितने कबूतर जो है ना यहाँ पर बैठे हुए थे और रास्ते में बहुत से बुज़ुर्ग थे जो नाते पढ़ रहे थे और इतनी अच्छी आवाज़ थी उनकी मैं बड़ी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो यानी ये लोग यहाँ बैठ के नाते पढ़ रहे हैं और इतनी अच्छी आवाज़ें हैं इनकी और लगता नहीं है कि जैसे बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी आप यकीन करें कि बड़ा सुन के ना सरूर आ रहा था इनकी नाते सुनकर और ये जो किला है ये पाँच हज़ार साल पुराना किला है और यह मुल्तान का बहुत ही कदीमी शहर है और यह और इसको ओलिया की सरज़मीन कहा जाता है अच्छा ये किला अपने अंदर मौजूद दिफाही सलाहितों के साथ साथ तर्ज़ तमीर में भी यगानियत रखता है इसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी थीं और यानी मैं हैरान ये हो रही थी इतने साल पुराना पाँच हज़ार साल पुराना ये किला और इसकी एक ईंट भी नहीं हिली हुई थी यानी ज़ाहिर है इसकी टेक केयर करते हैं ये लोग और यानी मैं बड़ी मैं वहाँ जाकर ये देख रही थी कि देखो ये किला किस कितना मज़बूत है और जब ये बना होगा उस टाइम भी कैसा होगा अभी भी हमें ये ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी न्यू है पुराना नहीं लग रहा था ये किला और बड़ी जो है ना बड़ा खूबसूरत किला है और इतना बड़ा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता यानी कि कुछ ऐसी जगह थी जो हमने छोड़ दी थी जो हम कह रहे थे कि नहीं अब हमने ये मेन मेन जगह देख ली हैं तो अब आगे ज़्यादा नहीं जाते और बहुत से लोग आए हुए हैं जो वापस जा रहे हैं और स्कूल के ट्रिप आए हुए थे और कॉलेज के ट्रिप आए हुए थे जो हम लोग जब वापस हुए हैं तो वो लोग भी इंटर हो रहे थे शाहरुख ने आलम के मज़ार पे जाने के लिए तो बस उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने जाना था और आगे जो था वो बाहुल्द्दीन जक्रिया का मज़ार था अब हमने वो जा देखना था और वहाँ पर जाके फातह पढ़नी थी और उसके बाद फिर क्योंकि रश होने लग गया था तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप जितनी जल्दी होता है तो हम निकलते हैं वरना रश ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर अब ये हम आप जा रहे हैं भाउद्दीन जकिया के मज़ार पर यह उनका मज़ार है और यहाँ पर भी काफ़ी रश था और लोग काफ़ी आए हुए थे इधर भी मुल्तान की अजमत शान मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है शहर मुल्तान हज़ारों साल से आज भी ज़िंदा है और बहुत से सैकड़ों हमलावर यहाँ पर हमलावर हुए इस मुल्तान को सफा हस्ती से हटाने के लिए लेकिन वो ख़ुद नेस्तों नबूद हो गए और अब इनका नाम लेवा भी कोई नहीं है मगर मुल्तान आज भी पूरे तकदस के साथ ज़िंदा है यहाँ पर नश्तर अस्पताल भी है और इधर साराइकी ज़ुबान बोली जाती है और मुल्तान शहर आमों का शहर कहलाता है मुल्तान में सूती कपड़ा भी बनता है खाड़ी का कपड़ा भी यहीं बनता है और खाद के कारखाने हैं मुल्तान शहर काफ़ी पुराना है और इसमें बहुत पुरानी पुरानी रवायात मौजूद हैं तो जी ये अब हमने बाहुद्दीन ज़करिया के मज़ार पे फातहाँ पढ़ी और अब हम सोच रहे थे कि अब निकलते हैं क्योंकि चार बज चुके थे और काफ़ी देर हो गई थी हमें और हमने इन तीन चार दिनों में ये सारा मुल्तान एक्सप्लोर करना था सारा देखना था तो हमें ये था कि अब नेक्स्ट देखें हम अब हमने कहाँ जाना है लेकिन यहाँ खड़े होकर मैं आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ ये बहुत खूबसूरत व्यू था पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा आ रहा है या नहीं लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत किला बहुत खूबसूरत था और उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी दमदमा आर्ट गैलरी और हमें ये था कि वो भी आपको दिखाऊंगी मैं लेकिन ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो भी बहुत खूबसूरत थी ऊपर का व्यू उसका ऊपर का नज़ारा ऊपर जाके बहुत खूबसूरत था पूरा शहर नज़र आता है वहाँ से और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इन शाह मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे दें इजाज़त टेक केयर अल्लाह हाफिज़